गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द फिजिक्स क्लास बाय AKS। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लेट ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v, देन इट्स लीनियर मोमेंटम p विल बी गिवन बाय p इज इक्वल टू m इनटू v, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, हाफ m v स्क्वायर। अब इस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं दोनों ऊपर, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी बाय m, जो मास ऑफ बॉडी है उस m से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से m बाय m कर दिया हमने, तो नीचे क्या हो गया, नीचे तो आपका 2m आ गया, ऊपर m इंटू m, m स्क्वायर और v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब m स्क्वायर v स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, m v का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो गया 2m। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, एम वी इज इक्वल टू पी, तो यहां क्या हो जाएगा पी और बाहर क्या हो गया स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। विच दिस इक्वेशन इज यूटिलाइज्ड इन मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल, देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मोमेंटम को डबल कर देंगे तो क्या होगा, 2p हो जाएगा, 2p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर। मतलब अगर मोमेंटम को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की।